कोई बंदी है उसको 2 साल के बाद उसको पेरोल का अधिकार है। यदि जिसका आचरण सही रहे जेल के अंदर, तो हमारे सुप्रिटेंडेंट उन्होंने अपनी दरखास्त लगाई तो सुप्रिटेंडेंट अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये इनका आचरण अंदर ठीक रहा है। जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम की पेरोल का मामला, गुरमीत की पेरोल अपील पर नरम लग रही हरियाणा सरकार। हरियाणा जेल मंत्री ने कहा सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं। पेरोल मामले पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने साधी चुप्पी। साधियों के साथ दुष्कर्म और पत्रकार हत्या मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम ने खेती बाड़ी को आधार बनाकर जेल से पेरोल पर बाहर आने की अनुमति मांगी थी। इस पर जेल सुपरिंटेंडेंट ने उनकी अर्जी पर कार्रवाई करते हुए इसे संबंधित विभाग को फॉरवर्ड भी किया था, लेकिन अब खबर ये आई है कि हरियाणा सरकार भी राम रहीम पर कुछ नरम नजर आ रही है। हर आदमी का अधिकार है पैरोल मांगने का, और उसके सरकार देती भी है, सभी को देती है, और जरूर सरकार सब बातों पर विचार करेगी। विचार करने के बाद अगर उनको लगा कि देनी चाहिए तो देगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राम रहीम को पैरोल पर बाहर लाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर तो इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन खुफिया विभाग अपने स्तर पर जानकारी जुटा रहा है। अधिकारी भी इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा के जेल मंत्री का एक ट्वीट आया है जिसमें राम रहीम की पैरोल पर सरकार का मूड पता चलता है। कोई बंदी है उसको 2 साल के बाद उसको पेरोल का अधिकार है। यदि जिसका आचरण सही रहे जेल के अंदर, तो हमारे सुप्रिटेंडेंट उन्होंने अपनी दरखास्त लगाई तो सुप्रिटेंडेंट अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये इनका आचरण अंदर ठीक रहा है। इसके बाद फिर वो रिपोर्ट लोकल पुलिस को आएगी। कमिश्नर इसका फुल्ली कॉम्पिटेंट होता है, तो पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद कमिश्नर के पास जाएगी, तो फाइनल कमिश्नर करता है भी इसको पेरोल देनी है नहीं देनी। अपने ट्वीट में हरियाणा जेल मंत्री केएल पवार ने राम रहीम की पेरोल अर्जी पर लिखा है कि इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर हमारा ऐसा कोई इरादा होता तो हम लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें रिलीज कर सकते थे। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। अधिकारियों ने गुरमीत की पेरोल अर्जी को सिरसा प्रशासन के हवाले कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुफिया तंत्र से रिपोर्ट मांगी गई है कि अगर राम रहीम बाहर आता है तो किस तरह के हालात बन सकते हैं। इस पर विचार करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये मामला उस वक्त प्रकाश में आया था जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने रोहतक के जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर डेरे में कृषि कार्य करने के लिए पेरोल की मांग की है। तरफ से जो मांगा गया था ना, तो उसमें SHO सदर, SHO सिटी दोनों को लिखा गया था, क्योंकि एक डेरा सिटी के एरिया में, एक सदर के एरिया में है, तो ताकि वो रेवेन्यू से अपना रिपोर्ट बना के अपनी रिपोर्ट भेजें, और उनकी रिपोर्ट आज आएगी, एडिशनल SP साहब को देंगे वो। एडिशनल SP साहब फिर अपने जो भी विवेक से जो भी उसमें ठीक समझते हैं वो रिपोर्ट बना के SP साहब को देंगे, और वो फिर शासन को भेजी जाएगी। बाबा वो कृषि कार्य के लिए मांगा है उन्होंने कि मेरे को कृषि कार्य के लिए पेरोल दी जाए 42 दिन। इस पर रोहतक के जिला अधीक्षक ने गृह विभाग और सिरसा के उपायुक्त को पत्र लिखकर पेरोल पर राय मांगी थी, लेकिन अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि गुरमीत को राजनीतिक कारणों से जेल से बाहर लाने में हरियाणा सरकार नरम नजर आ रही है।